बर्लिन में जारी वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारतीय टीम का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। शनिवार को 17 साल की अदिति स्वामी के बाद ओजस प्रवीण ने देश को इंडिविजुअल कैटेगरी का दूसरा गोल्ड दिलाया है। इसके साथ ही चैंपियनशिप में भारतीय कुल मेडल की संख्या 15 पहुंच गई है, इसमें 3 गोल्ड शामिल हैं। एक दिन पहले भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने गोल्ड जीता था, उसके बाद अदिति ने, और तीसरा गोल्ड अब ओजस प्रवीण ने जीता है। ओजस ने मेन कंपाउंड कैटेगरी में 150 में से 150 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने मेंस कैटेगरी का पहला गोल्ड दिलाया है। उनसे पहले अदिति ने शनिवार को वुमेन्स कंपाउंड कैटेगरी के फाइनल में मेक्सिको की 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन एंड्रिया बकेरा को 149 147 से हराया। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक ही सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज भी बन गई हैं। मेंस कंपाउंड कैटेगरी के फाइनल मुकाबले में ओजस प्रवीण ने कमाल की तीरंदाजी की। उन्होंने 150 में से 150 अंक अर्जित किए, यानी कि ओजस के सभी तीर निशाने पे लगे। ये दर्शाता है कि खिलाड़ी किस कद का है। अब खिलाड़ियों से ऐसे प्रदर्शन के बाद एशियन गेम्स को लेकर आस और बढ़ जाती है, और खिलाड़ी अगर अपने प्रदर्शन को इसी तरह से बरकरार रख पाए तो एशियन गेम्स में देश के मेडल टैली के लिए इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। आप अपनी राय एशियन गेम्स को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप से जुड़ी अपनी सभी राय वो भी आप साथ के साथ लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, इस पे कमेंट करें, और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।